जय श्री कृष्ण। आज मैंने देखा सम्माननीय श्री अखिलेश यादव जी की छोटे छोटे भाई की पत्नी मुलायम सिंह यादव जी की बहू भाजपा में ज्वाइन हो गई। आज यकीन माने मुझे एक चीज पता चल गया कि जो परिवारवाद पे इतना ज्यादा बहस हो रहा था, उस परिवारवाद पे आज बीजेपी अपने में ही बोल्ड हो गई है। अरे भाई, ये पावर ऑफ परिवारवाद ही है जिसकी वजह से उन्हें बार बार सभा में, मैं वो देख रहा था, बार बार सभा में बोलना पड़ रहा था कि मुलायम सिंह यादव जी की बहू अखिलेश यादव जी के परिवार की एक सदस्य वो हमारे बीजेपी में ज्वाइन हो रही है। ये बार बार बोलने की जरूरत क्या पड़ी? और सोचिए, कोई एक व्यक्ति के लिए आपके डिप्टी सीएम, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जब डिप्टी सीएम जी हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ परिवारवाद। और ये आप इस पे मत जाना कि परिवारवाद का पावर मतलब बीजेपी के लिए, ये परिवारवाद का पावर समाजवादी पार्टी के लिए है, उन सभी परिवारों के लिए है कि आप एकजुट रहो, और जब एकजुट नहीं भी रहोगे तभी भी आपका पावर बरकरार रहेगा। सोचिए, कोई एक व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए डिप्टी सीएम, प्रदेश का अध्यक्ष, गुलदस्ता लेके तैयार खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा फ्यूचर में हम कभी अपने प्रधान सेवक के परिवार या फिर हमारे बाबा जी के परिवार का कोई ज्वाइन कर रहा है, ऐसा हम कभी नहीं सुन पाएंगे, सोच पाएंगे। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि परिवारवाद पे इतना जो छेड़ते हैं, इतना जो बार बार बात करते हैं, भैया परिवार ही तो सभी कुछ है ना। परिवार होना बहुत जरूरी है। क्या सब बिना परिवार के निकल जाए? परिवार हमको, जब ये संसार में हम आए हैं, ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, तो हमको मिलके अपने परिवार के साथ समाज और देश की रक्षा कर सकते हैं। जो व्यक्ति परिवार नहीं चला सकता, वो देश क्या चलाएगा? वो समाज के बारे में क्या समझेगा? जब जब मेरा परिवार है तो मुझे मालूम है कि मेरे परिवार में जो खर्चा चल रहा है, गैस कितने की हो गई है मुझे पता है, वो तकलीफ मुझे पता है, सब्जियों के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, दूध वगैरह क्यों महंगे हो रहे हैं, रोजमर्रा की चीजों की इतनी ज्यादा जब जानकारी, जो जानकारी होगी उसके चार्जेस के बारे में पता होगा, उसकी बढ़ोतरी के बारे में पता होगा, तब तो मैं समझ पाऊंगा ना जनता का दुख। जिसका परिवार ही नहीं, वो क्या दुख समझेगा? बहुत पहले कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। अब सोचो, राजा का परिवार नहीं है, क्या फर्क पड़ता है किसी को गैस मिले ना मिले? क्या फर्क पड़ता है किसी के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? क्या फर्क पड़ता है कि उसने आज सब्जी खाई कि नहीं, उसने आज दूध पिया कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो? क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा बच्ची स्कूल में गए, उनको मिड डे मील मिला, सही मिड डे मील मिला कि नहीं मिला? कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। परिवार होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो परिवार होना और भी जरूरी है। और आज न्यूज चैनल में जो भी कहा जा रहा है, मुझे बड़ा मजा आया। गोदी मीडिया बड़ा कर रही है कि हमने भेद दिया, ये किया। भैया, ये पावर ऑफ एक परिवार है, ये पावर ऑफ मुलायम सिंह यादव है, द ग्रेट, जिनके बारे में कहा जाता है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। हाथ जोड़ के डिप्टी सीएम। सोचो, कोई आम आदमी मेरे परिवार का कोई, या मैं खुद ज्वाइन करने जाऊं तो हाथ जोड़ के खड़े होंगे डिप्टी सीएम? उसके बाद मैंने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हाथ जोड़ के स्वागत, आप आइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए। हम सब इस चीज से एक चीज तो सीखिए भैया, कि परिवार, अपने परिवार को आप अच्छा खासा ओहदा दे के उनको आगे जरूर बढ़ाएं और मिलजुल के रहें। परिवारवाद बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।